गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए दंडनकार जी। आज का टॉपिक है गुरु सिख हमेशा सीखते ही रहते हैं। गुरु प्यारी सात संगत जी, ये जीवन सीखते रहने का ही नाम है। अगर इंसान जीवन में कदम कदम पे सीखता रहता है, उसके मन में जिज्ञासा है, सीखने की इच्छा है, तो फिर वो हमेशा सीखता है। उसके मन में सीखने की भावना हमेशा बनी रहती है और वो कण कण से शिक्षा लेता है, सबसे सीखता है, छोटे बच्चे से भी सीखता है, दुनिया की हर घटना सीखता है, लोगों के अनुभव से वो सीखता है। तो जो सीखता रहता है पूरे जीवन सीखता है, सीखने की चाहत ये लगातार बनी हुई रहती है, तो फिर वही इंसान जीवन में सफलता प्राप्त करता है। वरना ये सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती है। सफलता के लिए बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत मेहनत की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो सफल इंसान हुए हैं तो उनके जीवन में एक बात थी कि वो हमेशा सीखते ही रहते हैं। और जो गुरसिख होते हैं वो हमेशा सीखते ही रहते हैं। गुरसिख की जो मंजिल है वो है परमपिता परमात्मा कि हर पल हर घड़ी इस निराकार दातार का एहसास में जीना, परमात्मा की अनुभूति करते रहना और इसके एहसास में हर कर्म करना। तो परमात्मा का एहसास तभी होता है जब हम इसको जानकर इसके हवाले हो जाते हैं, सतगुरु के हवाले हो जाते हैं, सेवा सत्संग सिमरन करते रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं। क्योंकि जीवन में जो भक्ति करते रहते हैं, भक्ति का मतलब होता है रिश्ता, भक्त और भगवान का रिश्ता। तो जो संत होते हैं वो हमेशा इस निराकार दातार की याद में ही जीवन को बिताते हैं और हमेशा सीखते हैं, सीखने की चाहना प्रबल होती है। और अगर हमारे मन में ऐसी भावना आ गई कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मैं तो सीख गया, तो फिर मैं भक्ति से गया। जिसने ये सोचा कि मुझे तो बहुत कुछ आता है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मेरे जैसा कोई ज्ञानी है ही नहीं, तो फिर मैं भक्ति से गया। जो सीख गया फिर वो सीख गया। तो यहाँ पर हमें समझाया जाता है, सदगुरु हमें समझाते हैं कि गुरसिख हमेशा सीखते ही रहते हैं। प्यारी सात संगत जी, हम कहानियां पढ़ते हैं महापुरुषों की कि जो ज्ञानी जन होते हैं, भक्त जन, संत महापुरुष होते हैं, वो बहुत ही विनम्र होते हैं। सदा नम्रता में ही रहना यह मुर्शिद का कहना है, झुककर चलना सदा जगत में यह गुरसिख का गहना है, झुककर बंदा पानी पिए पानी प्यास बुझाता है, ज्यों ज्यों फल तरवर को लगते त्यों त्यों झुकता जाता है। तो झुकाव, ये झुकाव उसी के जीवन में आता है जो विनम्र होते हैं। और विनम्रता जो है वो इंसान को महान बनाती है, विनम्रता से ही इंसान महान बनता है। आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन के बारे में पढ़े कि भगवान राम जी कितने विनम्र थे। रामचरितमानस में हम उनकी जीवनी को पढ़े। हनुमान जी कितने विनम्र थे। जितने भी महापुरुष इस संसार में आए, संत महात्मा वली पीर पैगंबर, सभी विनम्र थे, क्योंकि झुकाव था। और
झुकने वाले को ही खुदा मिलता है। कहे अवतार नम्रता से ही बंदा रब को पाता है कि विनम्रता एक विशेष गुण है। तो गुरसिख के अंदर ही विनम्रता पाई जाती है, जो हमेशा सीखते रहते हैं, जिनके मन में सीखने की चाहत है, सारा जीवन सीखते रहते हैं, तो उनके अंदर विनम्रता कायम रहती है। क्योंकि सीखने का भाव अगर हमारे मन में है तो हम अपने आप को हमेशा विद्यार्थी ही समझते हैं। सारा सिस्टम, सारा जो एक कुदरत है, पूरी जो कायनात है, परमात्मा की बनाई सारी सृष्टि, पूरी रचना, तो इससे सीखना है। और ये सारी जो प्रकृति है, सारा नेचर है, ये सिखा रहा है हमें। गुरसिख जो होते हैं अपने आप को कुछ भी नहीं समझते कि मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ ये परमपिता परमात्मा है और मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, हर पल हर घड़ी हर कदम सीखना है। तो सीखने की भावना ही इंसान को महान बनाती है, और सीखने की चाहत जिसके मन में होती है फिर उसको ही सफलता प्राप्त होती है। सफलता कभी तुक्के से नहीं मिलती। लर्निंग एक प्रोसेस है कि जीवन में अगर कुछ पाना है, कुछ कमाना है, तो लर्निंग इम्पोर्टेंट है। लर्निंग इज अर्निंग। हर कदम कदम पे सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम बात करें तो पूर्ण केवल परमात्मा है, केवल परमपिता परमात्मा ही पूर्ण है। तू पूर्ण परमात्मा, तू अंतर्यामी, कि परमात्मा के सिवा कोई पूर्ण नहीं है। हर इंसान अधूरा है, सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। तो इन कमियों को दूर करने के लिए, अपनी कमियों को दूर करने के लिए हमें सीखना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर क्या कमियां हैं, मैं ये सफल नहीं हो पा रहा हूं, इसके पीछे रीजन क्या है, तो अपने अंदर ही हमने कमियों को देखना है और सीखना है कहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ, कि मैं फेल हो रहा हूँ। अगर मैंने साल भर पढ़ाई अच्छे ढंग से की है तो मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन अगर मैं पढ़ाई करने के बावजूद भी फेल हो गया तो मैंने मन से पढ़ाई की ही नहीं, मैंने जो टीचर का जो पाठ था, जो मुझे स्कूल में पढ़ाया गया, वो मैंने सीखा ही नहीं, उसको दिल से पढ़ा ही नहीं, इसीलिए मैं फेल हो गया। अगर हम गुरु की पढ़ाई को सच्चे दिल से लगन के साथ सीखते हैं, उसे अपने जीवन में उतार लेते हैं, और इस सीखने की चाहत हमेशा हर पल बनी रहती है, तभी हम इस जीवन में पास होते हैं, जीवन में सफलता मिलती है। जितने भी संत महात्मा जिनका हम नाम लेते हैं, जिनकी आज हम पूजा करते हैं, तो उन्होंने सारा जीवन सीखा है। और जो सीखता है फिर वो रहता है। तो ये परिचा संगत जी, हम भी हमेशा सीखते रहें, हर पल हर कदम पे सीखते रहें, और सारा जीवन सीखते रहें। जो गुरसिक्खी है वो सीखते रहने का ही नाम है, गुरसिक्ख हमेशा सीखते ही रहते हैं। तो दातार कृपा करें सभी के जीवन में तरक्की आए, सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, सभी का जीवन खुशहाल हो, यही अरदास ही प्रार्थना है। प्यारी प्यारी सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।